हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू यूपी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक शिव की कहानी भोलेनाथ की सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कहानी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना, और कहानी अवधि में सुनाऊँगी क्योंकि आप लोग वही भाषा पसंद करते हो इसके लिए। और बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है यार, यहाँ कहीं सेटिंग नहीं बैठ रही। लगभग मुझे 10 दिन हो गया मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर रही, बस वही जो है इधर उधर का वही डाल रही हूँ, जो घर से रिकॉर्डेड था वही सब था। तो एक हमारे भैया हैं पारस मित्तल जी, उनकी रिक्वेस्ट, मतलब मैं अपने घर पर थी तभी से थी कि एक दीदी आप या तो शिव भजन सुनाइए या तो शिव जी की कहानी सुना दीजिए। और इन्होंने बोला था कि दीदी आप जब लाइव आते हो तो मैं कैसे जुड़ूँ। तो भैया जी, अगर आप यह वीडियो देखेंगे ना, जब मैं, मतलब वैसे तो मैं लाइव आऊँगी, जितना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर हो सकता है कि मैं महीने के 2 संडे या 1 संडे किसी भी संडे को लाइव आऊँगी अगर, तो जो जब हमारी लाइव ऑन होती है तो उसमें लाइव चैटिंग का ऑप्शन जो दिया रहता है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप हमें मैसेज करके अपनी बातें पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। वही ऑप्शन रहता है वहाँ पर जब लाइव ऑन रहती है। तो आइए सुनते हैं एक बढ़िया सी शिव कहानी, मतलब शिव चर्चा, जिसे कि आप शिव चर्चा में भी बोल सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जहाँ पर बैठी हूँ थोड़ा सा गर्मी लग रही है, पंखा उधर साइड में चल रहा है, क्या चीज़ दिख रही। यहाँ पे रखा हुआ है वादी का सूटकेस, एक नगर था, एक नगर रहा, मतलब हम राजा एक ठे रहते रहन है, लेकिन राजा जो रहन वो बहुत अच्छा रहन है और शिव के भक्त रहन है भोलेनाथ के, और इतना ज़्यादा अच्छा रहन है कि मतलब उनकी अच्छाई के वर्णन हर समय समाज में हो। और अपन प्रजा जो रही, अपने प्रजातंत्र में उनकर बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है, अपने प्रजा के बहुत ज़्यादा मानत रहन है राजा। लेकिन थोड़ा सा राजा के अंदर में घमंड रहा, तो अब उस घमंड के वजह से राजा के साथ ही काव काव है, कैसे कैसे भा। अगर आप सब कहानी में लास्ट तक बना रही तो उसे कहते हो 10 या 8 मिनट तक के हो जाए, नहीं तो उसे कम हो सकता है, लेकिन अगर आप सब लास्ट तक बने रही तभी जो भाई कहानी के अच्छे से आनंद ले गए हैं, बढ़िया से आप सबके सुनने में मिले। तो हाँ, तो फिर उनके बाल बच्चा सब कुछ उनका सही चल रहा है ऐसे कार्यकाल जो बा। तो धीरे धीरे, मतलब कहा थे ना कि कुछ कर्म आदमी के फल जो बा बाकी रह जाता भुगते के, तो मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दिया था, ऊपर सजा इंसान के मिला था, चाहे वो पूर्व जन्म के रहा चाहे वो यही जन्म के रहा है, तो कुछ तो मतलब मिलत है। कहा थे पूर्व जन्म के फल जो बाटे यही जन्म में मिलत है, बाकी यही जन्म में आदमी जो गलती करत है वो अगला जन्म में मिलत है, तो ऐसे सब कहा थे। और रियल है कहाँ से कि यही जन्म में अगर अगला आदमी देखत बा कि चला हम खूब दान पुण्य करते हैं, खूब मतलब अच्छा आदमी कर्म करता ही है, काफ़ी जगह पर आप लोग देखत हुई हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति के साथ इतना मतलब गलत गलत काम हो जाता, गलत गलत घटना घट जाता कि आदमी कहा था कि भैया तो चूटी ना मारे रहे, लेकिन इनके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो सब पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से आदमी के फल भुगतना ही पड़ता है, और चाहे हमारे हो चाहे आप तो हो, इंसान के निरंतर अपन कर्म अच्छे से करते रह चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ के जो बाटे हैं वो मतलब पुजारी तो रहे ना, लेकिन कुछ भी जो हो या हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुड़ अवगुड़ जरूर रहा था, तो राजा के अंदर यही गुड़ अवगुड़ रहा, वो अपने से मतलब झुके ना चाहत रहना, कौन चीज़ के हाथ से ले ना चाहत रहना और ना कुछ करे चाहत रहना। तो ऐसे तैसे उनका राज दरबार चल रहा, प्रजा तो उनका उनसे बहुत ज़्यादा खुश रही, सब कुछ चल रहा था। एक दिन राजा जंगल में जो उन बासी कार पर गए, यानी घूमे टहले के लिए गए, और जाए के टहले घूमे तो गर्मी से व्याकुल हो गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता लगे। तो जब उन वहाँ दूसरे गाँव के ग्वाला मतलब चरवाहा रहे हैं, गाय वाय चरावत रहे, और वहीं पे वो कहन की चला गया तो चढ़ते यहीं आज हमारे सहे भगवान के, देखा भगवान तब प्रसन्न होते हैं, चाहे आदमी के दूध फूल रहा है चाहे चार फूल रहा है चाहे मिट्टी के प्रसाद रख दे, लेकिन भगवान सब जगह आवास हैं। तो वो लोग वहीं पे भगवान के मतलब अपने हिसाब से मिट्टी की प्रतिमा बनाए के भोलेनाथ के, और सब कुछ कही के वहीं व्यवस्था के हैं, लड़का जितना रहे हैं लोग पूजा करते रहे ना, मिट्टी के प्रसाद बना रहे हैं, फूल पता है जितना रहा जंगल में सब कुछ तोड़ ताड़ के लाए के विधिवत पूजा भोलेनाथ एकदम भक्त सब लीन रहे हैं वहीं माँ। तो जौन बाटे है और मतलब मंत्र मुग्ध रहन है, यानी कहें देखा ना कि अब तो हम तो तू क्यों ना भगवान के देखे क्यों बना, लेकिन ये प्रतिमा से उनके उनके मूर्ति से उनके फोटो से पीपल के पेड़ के नीचे अपन आदमी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करत है। तो जौन बाटे है अच्छा, तो उनकर सबके जब शिव चर्चा संपन्न भय, मतलब तो जौन बाटे हैं लड़कन के, तो ये भाग के प्रसाद जौन बाटे हैं बाँट दिया जाए, इनसे जौन कुछ रखा है चढ़ाया है गई है। तो भोलेनाथ एकदम से प्रसन्न रहे हैं,
लेकिन भोलेनाथ जौन बार राजा के परीक्षा ले खातिर प्रसाद तो का बनाए सकत रहन उठा के सबके लिए लास्ट में भगवान बनाए दिए, लेकिन कहें मतलब सबके इच्छा मन में जागरूक किए कि पहले रजा राजा के प्रसाद दे जावा। तो लड़के लोग लेके गए राजा के प्रसाद दे, तो राजा कहें कि धूल और मिट्टी के प्रसाद हम ना खावे, पहली बात हम केहू से कुछ ले इतना है। लेकिन यहीं तरह तो भगवान मतलब रहे ना, तो उनका प्रसाद तो लेन के चाहिए। अब राजा यहाँ तो मतलब थोड़ी है कि केहू से कुछ ले बाना। राजा के मूसर घटिया रहा भी है परछनी खातिर, एक राजा कैसे कहानी रही है उन्हों जो उन बाटे मंगवाए रहे दूसरे किया से। तो इन नाते से आदमी के कभो अपने आप के बड़ा ना महसूस करें चाहिए, ना कभो केहू छोटा महसूस करिए। इंसान सभी एक बराबर होते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। और जे जौन चीज़ मान से हाथे पर रखे ओके ले लेके चाहिए, ये बात सत्य है। तो प्रसाद ना लेन प्रसाद के मना कर दी राजा। तो ग्वाल बाल सब आए अपन प्रसाद लेन अपन गैया लेके अपने घर चला गए। अब राजा की मतलब बहुत ज़्यादा विपत धीरे धीरे आवे शुरू हुई है। इन्हें उनके लड़का के बच्चा के उनके परिवार के उनके राज्य में तो सब भाई आपस में चर्चा एकदम जागरूक होगी कि आखिर का वजह का बात होगी कि राजा तो इतना अच्छा इतना ईमानदार व्यक्ति हैं है। वजह का है कि राजा भी ये बात भूल गए धीरे धीरे दिन गुजरत गा कि आखिर हमसे कौन गलती भरी काहे कितनी बड़ी सजा उनका मिलत बा। तब उनकर पत्नी कहन कहन महाराज हमारे जीवन में तो कभो हम दुख देखब ना कि आखिर वजह का भाई भगवान आपसे काहे नाराज हो गए। तो कहें रानी हमें कुछ यार ना ही ना हमसे कौन गलती भई बा, हम तो गलती अपने प्रजा के साथ ही ना है। तो कहें कि मतलब इंसान है तो प्रजा के साथ है लेकिन भगवानों के मान रखनी चाहिए। तो उन्होंने कौन गलती हमसे तोसे या हमसे भाई या तोसे भाई, लेकिन हमारा राज दरबार सब कुछ छीना जात बाटे है, धन दौलत सबके हानि आवत बाटे, का वजह है ऐसे हो गई। एक दिन रानी सोई रहें, तो सोई रहें तो भगवान जो बार शंकर भगवान योगी रूप भय के आए। तो कहें रानी का महाराज कहीं भिक्षा रहा कहीं महाराज हमारे यहाँ कुछ रहन ना आएगी बाटे है, बहुत गरीबी आएगी बाटे, बहुत परेशान है राजा, कौन ऐसी गलती होगी अगर हम जाने तो कर निवारण करें। तो कहें रानी राजा का तो हुआ रहन है उनसे पूछू प्रसाद ना ले रहन है, तो अगर ओका पूजा विधान कर डरूँ तो तुम्हार राजपाट फिर लौटिए सब कुछ सही हो जाए। थोड़े से गलती किए हैं राजा, प्रसाद चाहे चमारे घरे हो चाहे छुट जाती है चाहे बढ़ जाती है और चाहे गुड़े प्रसाद हो चाहे चीनी कुछ भी हो अपमान न करे चाहे। कहीं ठीक बार आने सवेरे उठे राजा से चर्चा किए तो राजा के दिमाग में आए कहें हाँ अब केकर पूजा रही काव रहा हमें पता ना, लेकिन हम जब गए जंगल में तो पूजा वहीं होते रहे हम प्रसाद ये मना कर दिए रहे। तो रानी अपन जोन बाटे अपने गांव के मनई भेज के उन गाँव पता लगाएं, तो बाल गोपाल जो लड़कियाँ रहें बताएं कि हम सही से चर्चा करते रहे भगवान जी भोलेनाथ के पूजा करते रहे हैं, और जब मिट्टी के प्रसाद और नदी में के पानी के जल रहा वहीं में तुलसी वगैरह डाले रहे जो कुछ हमें सब भगवान दिए रहे उस टाइम में तो प्रसाद लेके तो मना कर दिए रहे ना, यह बात रही बाकी तो कोई बात ना है। तब रानी जौन बाटे है भगवान भोलेनाथ के सुमिरन और बहन पूजा पाठ की ओकरे बाद बहुत बम्पर शिव चर्चा रखी पूरे एक गांव से दुई गांव के हर गांव के आदमी के बुलाएं शिव चर्चा में, और जौन बाटे पंडित जी के बुलाएं, अगर आप पंडित जी के ना बुला सकत हाँ तो गांव में जिकरे भी कथा आवत हो शिव चर्चा भजन ये सब तो हो तो शिव चर्चा में भोलेनाथ के बाबा के। तो पूजा बढ़िया से पूरा पूजा करवा के शिव चर्चा अच्छे ढंग से रानी करवाएं और पूरा प्रसाद बाँटी अपनों दोनों जने प्रसाद ग्रहण किए भोलेनाथ के। तो ओकरे बाद से उनकर दिन दशा सब सुधर गई। ये नाते से भैया केहू के अनादर केहू के अपमान चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो इंसानों के कभो अपमान करे के ना चाहिए। कहानी से यह शिक्षा मिलत है, शिव चर्चा में आप ही कहानी कहा थे हर जगह कहानी कही जात है, और जौने में चाहे जौने में रच बस जाए वह कहानी है, जौने में मन से सुर निकलने लगे वह गीत है, और जो लोग पसंद करे लगे तो उम्मीद करता है कि हमारी कहानी हमारे भैया पारस मित्तल जी की और जो भी सुनी है सबके पसंद आए। अगर इस चर्चा आप सबके पसंद आ जाए भोलेनाथ की कहानी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। तो मिलता है आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सबसे एक शिकायत है प्लीज़ जोन बाटे मेरी वीडियो को वॉच करें, हमका थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप सब चैनल सब्सक्राइब करें कि ये मतलब ना हो कि आप सब सब्सक्राइब करें और देखें ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हमरो सपोर्ट करें। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय।